वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजी एंड क्विक रेसिपीज़, मैं इस तरह की रेसिपीज़ लाई हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती है। इससे पहले भी मैंने आपसे कुछ रेसिपी शेयर की हैं जिसमें ढोकला है, ढोकला, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, तो उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, 5 to 6 हैं आई थिंक, या मोर भी हो सकती हैं। तो आप उन रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये न्यू टाइप का ढोकला है। अभी मैंने आपको ढोकला जो उसमें बताया था जो नॉर्मली सब लोग खाते हैं वो भी बाजार जैसा ढोकला था, और अभी जो मैं ढोकला आपको बताने वाली हूँ वो है आटा डोसा। एक्चुअली हम सभी लोग जो लोग रोटियां बना के तंग आ गए हैं, क्योंकि रोटी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी गर्मी भी लगती है, तो मैं एक न्यू चीज़ बता रही हूँ जिससे कि आपको रोटियां बनाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किस दिन आप चेंज इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी है। जो हमने ढोकला बनाया था सेम ये रेसिपी बिल्कुल उसे काफ़ी मिलती जुलती है और काफ़ी जल्दी बनती है। जैसे वो इंस्टेंट ढोकला था ये भी इंस्टेंटली बन जाता है। तो इसमें मेरा है आटा डोसा है, टोमेटो और दलिया, ब्रोकन वीट डोसा। पहला है मेरा आटा डोसा, दूसरा है टोमेटो ब्रोकन वीट डोसा। ये जो सेकंड टाइप का डोसा है ये डायबिटिक पेशेंट हैं वो लोग भी खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। तो आटे का डोसा ये इस तरह दिखेगा। पहले हम इसके बैटर के लिए देख लेते हैं कि बैटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक बाउल में हम गेहूं का आटा ले लेंगे, वन बाउल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1 बाउल ले रही हूँ, 1 बाउल में 1 to 2 लोग को लिए सर्व हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप अगर 2 बाउल लेंगे, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी लेना चाहते हो तो जो बाकी की चीज़ें वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग डबल करनी पड़ेगी या ट्रिपल करनी पड़ेगी। तो वैसे 1 बाउल एनफ है, आप पहले फर्स्ट टाइम इसे ही ट्राई कीजिए। तो 1 बाउल वीट गेहूं का आटा और 1/4 1/4 कटोरी सूजी, या फिर अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल है तो चावल का आटा। वैसे सूजी होती है सबके घरों में अवेलेबल, साउथ इंडियन होते हैं तो उनके पास राइस फ्लोर भी होता है। 1 स्पून इनो फूड सॉल्ट, इनो का जो पाउचेज आते हैं छोटे छोटे, एक्चुअली क्या होता है कि उसमें हमें या तो फिर अगर आपके पास बड़ा बॉटल है तो आप 1 स्पून ले सकते हैं। फिलिंग के लिए जो हम डोसा बनाते हैं तो उसमें फिलिंग भी यूज़ करते हैं, तो फिलिंग के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू 4 से 5 मीडियम साइज़, 1 अनियन, 2 से 3 हरी मिर्च और 1/2 स्पून मस्टर्ड सीड्स सरसों के दाने, और 1 स्पून 1 चम्मच तेल, जो भी आप तेल खाने में यूज़ करते हैं, और 1/4 चम्मच हल्दी कलर के लिए थोड़ा, और 1/2 स्पून अमचूर भी डाल सकते हैं आप, या तो अगर आपके पास है तो आप इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली को पहले आपको पानी में सोख करना होगा, फिर उसके बाद आपको जो लास्ट में जब मेरा ये बन जाएगा मिक्सचर उसके बाद उसमें इसका पानी डालना है। तो और मैं यहाँ पर अमचूर प्रेफर कर रही हूँ। तो करी लीव्स, कड़ी पत्ता 5 से 7, और कोरिएंडर हरा धनिया कसा वो कटा हुआ छोटा बारीक, और 1 स्पून धनिया बहुत है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 से 2 लाल मिर्च, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, और 1 स्पून चना दाल। तो ये तो थे हमारे इन्ग्रीडियंट्स। अब हम किस तरह बनाएंगे ये, तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हम एक पैन लेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल को गरम करेंगे, और उसमें जब तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें थोड़ी सी चने की दाल डालेंगे। चने की दाल जब थोड़ी सी चटकने लगेगी, वो फ्राई हो जाएगी, हल्की सी रेडिश हो जाएगी, कलर हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसमें रेड चिली डालेंगे, एक या दो लाल मिर्च, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कढ़ी पत्ता और सरसों के दाने। और जब ये सब तेल में हीट हो जाएंगे, थोड़ा तड़कने लगेंगे, तो फिर उसके बाद हम उसमें प्याज डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे पेटलों से, और उसके बाद उसमें हरी मिर्च डालेंगे प्याज भुनने के बाद। उसके बाद उसमें हम हल्दी डालेंगे, मैंने क्वांटिटीज आपको इंग्रेडिएंट्स में पहले शेयर कर चुकी हूँ, और इसमें हम आलू डालेंगे
हल्दी को थोड़ा मिलाने के बाद आलू, और फिर इस पूरे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक जो आपके स्वाद अनुसार है। उसके बाद अगर आपके पास, मैंने बताया था इमली है, तो इस टाइम पे आप इमली इमली का पानी डाल सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप आधा स्पून अमचूर डाल दीजिए और इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए, मिला लीजिए। और अब इसके बाद इसको चाहे तो आप इसके ऊपर धनिया जो है, हरा धनिया जो चॉप था आपका, वो इस पर डाल सकते हैं। तो आपकी फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको एक साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा बैटर, जो हमारा बैटर तैयार बैटर है वो कैसे बनाना है। एक बिग बाउल लेंगे हम, एक बड़ा बाउल जिसमें कि हम मिक्स कर सके अच्छे से। उसमें हम फ्लोर, मैंने बताया था कि एक बाउल फुल फ्लोर लेना है, एक कटोरी, तो वो हम लेंगे। उसके बाद हम सूजी एक चौथाई, जो कटोरी है उसका एक चौथाई भाग, और उसमें हम नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसमें फिर उसके बाद उसको मिक्स करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और हमें मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो उसमें जैसे एक एक दो दो चम्मच पानी डालते जाएंगे, हम उसको स्टर करते जाएंगे। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसको चम्मच से निकालें तो वो थोड़ा मतलब आराम से सॉल्युबल हो, मतलब ठीक हो। तो ना तो वो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, जिसकी हम इजीली उसका डोसा बना सके। अब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा जब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसका ये मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें इनो सॉल्ट पाउडर डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि इनो सॉल्ट पाउडर डालते ही हम उसको मिक्स करके हमें इसको बनाना है, उसके बाद रखना नहीं है। तो उस इनो सॉल्ट पाउडर डालने के बाद उसको हम एक मिनट उसको एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा डबल हो जाएगा, ये थोड़ा सा फूल जाएगा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, दिखेगी क्वांटिटी तो उतनी। फिर उसके बाद हम, जब ये हमारा सही हो जाएगा, उसके बाद हम तवा लेंगे, और उसमें जब हम ये बना रहे हैं तो एक साइड में हम तवा रख सकते हैं, तवा ये नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं, और तवा लेके उस पर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम उस पर इस बैटर को हम एक बड़ा स्पून बीच में सेंटर में डालेंगे। फिर धीरे धीरे इसको सर्कुलर मोशन में पूरा इसको एक बना देंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे गैस को। अब क्योंकि हमारा तवा पहले ही गर्म हो चुका है, इस बैटर को स्प्रेड करेंगे, सर्कुलर मोशन में फैलाएंगे, और जब ये फैल जाएगी, बैटर सर्कुलर मोशन में फैलाएंगे, जब ये पूरा सर्कुलर शेप में हो जाएगा तो हम साइड से हम हल्का सा तेल डाल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद थोड़ी देर में जब ये लगेगा कि हाँ ये सिकने लगा है, और ऊपर से हमें थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा सा लगेगा ये, क्योंकि जब हम डालते हैं तो हल्का गीला होता है, तो उसके बाद हम इसको साइड से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इजीली निकल रहा है तो फिर हम इसको पलट देंगे, टर्न करेंगे। लेकिन जब हम टर्न करने से पहले ही सिकने सिक जाता है, तो हम पीछे से सिक रहा है तो हम उस पहले फिलिंग डाल लें, उसके बाद टर्न करना है। फिलिंग डालने के बाद इसको फोल्ड करके उसके बाद हम टर्न इसको टर्न करके भी दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और अब आपका डोसा तैयार है, आप इसको प्लेट में सर्व कर सकते हैं। इसको कोकोनट चटनी के साथ, कोकोनट की नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप सांभर यूज़ करना चाहते हो तो आप सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एज़ यू विश, जो आपको ठीक लगता है। अभी जो रेसिपी थी ये आप नॉर्मल सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ी स्पेसिफिक डाइट होती है। तो अब जो मेरा अगला डोसा है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली, ये है ब्रोकन वीट टोमेटो डोसा। ब्रोकन वीट मतलब जो हम दलिया यूज़ करते हैं जनरली, वही होता है ब्रोकन वीट और टमाटर। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, तो क्योंकि उन लोगों के लिए भी फ्लेवर्स काफ़ी कम वैरायटी है, तो इसलिए स्पेशली मैंने उनके लिए तैयार किया ये मेरी रेसिपी है। तो ये बहुत हेल्दी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी है, डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में। और इसके साथ वीट की कंजी होती है, पॉरेज, दलिया ले सकते, दलिया और मैं इसको बना चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है ये, और यही मेथड मैंने यूज़ किया था। तो हम इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या इडली पोटी के साथ, या फिर किसी भी चटनी जो आपकी चॉइस की उसके साथ सर्व कर सकते हैं।
तो इसका जो प्रेपरेशन टाइम है वो 1 आवर है, कुकिंग टाइम 20 मिनट्स है और टोटल टाइम इसका 1 आवर 20 मिनट्स है। टाइम थोड़ा ले रहा है ज़्यादा। और अगर हम इसको जो दलिया है, जो ब्रोकन वीट है, अगर हम इसको पहले ही सोख करके रखेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। अब ये एक बहुत टेस्टी रेसिपी है, इंडियन कुजीन है, दो लोगों के लिए सर्व की जा सकती है। जो ब्रोकन वीट और जो दलिया है, ये एक कप दलिया लेंगे हम। टमाटर लेंगे दो और लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है 2 लाल मिर्च, 1 जिंजर 1 इंच, क्यूमन सीड्स जीरा लेंगे हम 1/2 टीस्पून, आधा चम्मच हींग पाउडर लेंगे 1 पिंच, करी लीव्स कड़ी पत्ता थोड़े से, सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट जो आपके स्वादानुसार है, कोरिएंडर हरी जो हरा धनिया है उसको चॉप करके काटा हुआ, थोड़ा सा ऑयल जितना भी आपको ज़रूरत है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ऑयल, अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना चाहते हो उसमें ज़्यादा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वॉश एंड सोक, जो दलिए को है उसको हम धो लेंगे और पानी में सोक कर देंगे थोड़ी देर के लिए, इतना पानी जिससे कि वो डूब सके और उसमें सोक होने के बाद थोड़ा, ठीक है, 1 घंटे के लिए। तो अगर हम ये प्रोसीजर ये बनाने से पहले 1 घंटे पहले दलिए को सोक कर दें तो हमारा टाइम बच जाएगा, फिर हमारे 20 मिनट्स ही लगेंगे। तो 1 घंटे बाद जब हम दलिए को देखेंगे, जब वो सोख हो गया है, तो फिर हम उसको ब्लेंडर में मिक्सी में डालेंगे और उसमें टमाटर भी डालेंगे और जो ड्राई जो हरी सूखा लाल मिर्च है वो डालेंगे, जिंजर अदरक डालेंगे और इसमें ज़ीरा डालेंगे जो हमारी पूरी क्वांटिटी थी, करी लीव्स, और इसको अच्छे से इसका प्यूरी बना लेंगे ग्राइंड करके, इसको मिक्सचर बना लेंगे। टू दिस सोक्ड ब्रोकन वीट एंड ग्राइंड टू अ मीडियम फाइन कंसिस्टेंसी, जब ये पूरा प्यूरी बन जाएगा तो हम इसको गैस पर रखेंगे। जो ब्रोकन वीट है, अभी मिक्सचर को नहीं रख रहे हैं, अभी इसमें हमने ब्रोकन वीट को रखा है, ग्राइंड टू अ मीडियम फाइन कंसिस्टेंसी, इतना करेंगे कि थोड़ा मीडियम फाइन हो। ट्रांसफर द बैटर टू बाउल, फिर हम बाउल में डालेंगे, फिर उसमें जो हमने इसमें नमक डालेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अब हमारा सारा चीज़ें हमने एक जगह इकट्ठी कर ली है, सब कुछ उसमें ग्राइंड करके हमारे पास आ गया, उसमें हमने नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अगर कंसिस्टेंसी ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, जो डोसा का मिक्सचर ऐसे होता है वैसे। फिर इसको हम तवा हीट करेंगे और उस पर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे, ऑयल अप्लाई करेंगे, या पर नॉनस्टिक तवा ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं। उसके बाद जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इस बैटर को एक जो बड़ा चमचा है वो बीच में सेंटर में डालेंगे, ठीक है, और इसको सर्कुलर मोशन में इसको फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम ऑयल स्प्रिंकल कर सकते हैं साइड्स में और थोड़ी 1 मिनट तक इसको पकाएंगे, देखेंगे कि हाँ ये थोड़ा पक गया है, थोड़ा साइड से निकाल के देख सकते हैं कि हाँ ये पक रहा है। फिर उसके बाद इसको दूसरी साइड भी सेक लेंगे थोड़े मिनट्स के लिए। जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसको सर्विंग प्लेट में डाल सकते हैं, और वीट टोमेटो डोसा है ये, कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें फिलिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो इसमें ऑयल कम रखेंगे, और इसमें देखिए शुगर भी नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा है डायबिटिक्स के लिए। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरी जितनी भी रेसिपीज़ है काफ़ी जल्दी बन जाती हैं, उनमें काफ़ी कम टाइम लगता है और वो न्यू भी हैं और आपको अच्छा लगेगा उनको देखकर। और जो हम घर में खाना बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, हम बाहर खाने की बजाय वो चीज़ें हम घर में भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल मार्केट जैसी बनती हैं और काफ़ी इंस्टेंटली बन जाती हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ये मेरा वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, सबकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को सारी चीज़ें नहीं आती हैं, काफ़ी लोगों को, तो एक दूसरे से शेयर करने से सबको सब कुछ पता चल जाता है और नई चीज़ें क्रिएटिवनेस भी आती है कि हाँ इस चीज़ को ऐसे भी बना सकते हैं। हम सब लोग अगर अपने आइडिया शेयर करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा सबके लिए, और घर में भी वैरायटीज़ मिलेगी, बच्चों को भी हर चीज़ नई नई अच्छी लगती है, और जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे तो ये ज़्यादा सेफ़ भी है और प्योर भी है, कोई मिक्स नहीं है इसमें, साफ़ सुथरा है, हेल्दी है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग और गिविंग योर प्रेशियस टाइम।